warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. فَلَمَّا رَأَوْهَا زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. हम तुफैल अहमद मेगरी के फर्जंद अर्जुमन हैं जो उस वक्त के शहर मैसूर की बाविखार शख्सियत माने जाते थे और उस वक्त से मिल्ली अदारों से मुंसलिक भी थे। मिल्लत की खिदमत आपको वर्षे में मिली है। नाम आरिफ अहमद, कुनियत मेगरी, पेशे से वो एडिटर और टैक्स कंसल्टेंट हैं और उनका फर्म मैक्री कंसल्टेंसी के नाम से मशहूर है और आप 40 साल से इस पेशे महारत हासिल की है। मोहतरम शहर मैसूर की बहुत सी मिली अदारों से मुंसलिक हैं। आप अंजुमन इत्तेहाद मुस्लिमीन के हालिया सदर और ये अदारा आपकी सरपरस्ती में बहुत परवान चढ़ रहा है और चढ़ा हुआ है। इनमें से जिसमें मेजेस्टिक हाई स्कूल माशाल्लाह 900 की तादाद में तलबा पढ़ रहे हैं। आप न्यू मुस्लिम हॉस्टल सरस्वतीपुरम के सेक्रेटरी भी हैं। मजलिस रिफाउल मुस्लिमीन के जेर सरपरस्ती यतीम खाने नुस्वा और यतीम खाने मर्दा के नायब सदर हैं। MES के मजलिस इंतजाम के रुकन और मेस्को तालीमी अदारे के रुकन हैं। सबसे बड़ा तुर्रा इम्तियाज यह है कि वो लगातार 6 साल मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ मुशावरती कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं और वक्फ अदारों की तरवीज भी की है और रिफत बख्शी है, जिसकी मिसाल बहुत ही खूबसूरत इमारत मेजेस्टिक आर्केड जो आपकी नजरों के सामने है। मिल्लत के साथ ये इक्तिसाद और ये जो खूबसूरत इमारत आपके ख्वाबों की तामीर है, इस मिल्लत के इक्तिसादी नशोनुमा के लिए बनाई गई है। इसके साथ साथ अलहुदा वेलफेयर ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं और इन तमाम मिल्ली अदारों से मुंसलिक रहते हैं। इनके साथ साथ एक और जो है लायंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी मुंसलिक है। मैं फैजान उर्दू अदब और आप तमाम की जानिब से आपको तहनियत पेश करने के लिए मोहतरम जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब से अदबन गुजारिश करती हूँ कि आप उनकी तहनियत पेश करें। هلا ابو سلمى मैं दावत देना चाहूंगा हमारे फैजान उर्दू अदीब के सदर मोहतरमा मोमिया साहिबा को कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह काफी खिदमत अल्लाह ताला ने आपसे इस शहर के अंदर लिए हैं, तो मैं इस्तकबालिया तकरीर के लिए दावत सुखन देता हूं मोमिना मुख्तार साहिबा सूफी और रिटायर्ड लेक्चर सीनियर लेक्चरर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी MA MED अदीब कामिल। आप एक शायरा भी हैं और मुखलिस सूफी भी हैं और आपने
बहुत से कौमी मुशायरों में भी हिस्सा लिया है, साथ साथ आप मोहतरमा फैजान उर्दू अदब की सदर भी हैं और बज़्म बतूल की जो है रुकन भी हैं। कर रही हूँ बज्म का आगाज तेरे नाम से, कर रही हूँ बज्म का आगाज तेरे नाम से, मेरे मालिक है मेरी परवाज तेरे नाम से। शहनशीन बे जलो अफरोज, मेहमान खुसूसी आयद मिल्लत ज़ीर ख़ैर जनाब अलाज तनवीर सेठ साहब, साबिक वज़ीर रुकन असेंबली हलका नरसी महाराजा मैसूर हुकूमत कर्नाटक। आज के जलसे के सदर मोहतरम इज़्ज़त नाम शफिया सैयद शफी अहमद साहब, रिटायर्ड इंजीनियर साबिक रुकन कर्नाटका उर्दू अकेडमी हुकूमत कर्नाटक व सेक्रेटरी अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैसूर। मेहमान एजाजी मोहतरमुल मकाम डॉक्टर हाजिर नदवी साहब, सदर शोबा दारुल नमून श्रीरंगपट्टनम। मौलाना डॉक्टर हाजिर नदवी साहब, सदर शोबा दारुल नमून श्रीरंगपट्टनम। और एक और बुजुर्ग हस्ती हमारे सामने बैठी हुई है हमारे दरमियान, मोहतरम राम साहब जो उद्दाम में मिलत हैं, और उनसे बाद में मैं उनसे तारुफ करवाना चाहती हूँ। फिर शहीदान इकबाल, शाहीनान इकबाल, मुहिबान उर्दू, शहर मैसूर की मिली अदारों से मुंसलिक ज़ीविखार शख्सियात, अराकीन फैजान उर्दू अदब मैसूर, अराकीन बज़्म बतूल और सहाफी हजरात और तमाम हाजरीन इकराम और उर्दू टीचर्स कॉपरेटिव सोसाइटी के सदर नायब सदर और डायरेक्टर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ये वक्त वो था जबकि मुसलमानों के इकबाल और कामरानी का आफ्ताब निस्फुल निहार पर था और हर फन के साहिब कमाल इस्लाम के झंडे तले जमा थे। शिराज की सरजमीन ने साथी और हाफिज को पैदा किया तो जाम में जामी और अजगर में निजामी ने दफ्तर खुसरवी बुलंद किया, तौसी की किस्मत जागी और फिरदौसी पैदा हुआ। हिंदुस्तान में भी खुसरो और फैजी जैसे हस्तियों ने जन्म लिया, लेकिन हिंदुस्तान को अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए कि वो ईरान से ज्यादा खुश नसीब साबित हुआ, इसलिए कि यहाँ पर एक आवाज सुनाई देने लगी, वही आवाज जो कभी उसके दर्द दीवार से टकरा कर आसमान तक पहुंच रही थी। फिर इस आवाज में वो इकबाल हमारे असलाफ की निशानी, हमारे अजमत कारीना की यादगार और आईना जिसमें वो शक्लें नजर आती हैं जिन पर इस्लाम को नाज है। मैं अभी अभी आए हुए मेहमान का बाद में तारुफ कराऊंगी, तो मैं सिलसिला जारी रखती हूँ। हिंदुस्तान के मुसलमानों को तीन हस्तियों पर का एहसान है जो नवंबर के वस्त में पैदा हुई। एक है अल्लामा इकबाल, डॉक्टर अल्लामा इकबाल, और आज 9 तारीख है तो अल्लामा इकबाल की पैदाइश है, कल है टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश है, और तीसरा रोज है 11 नवंबर अबुल कलाम आजाद की तारीख है। ये तीनों का एहसान हमारे मुसलमान खासकर हिंदुस्तान के मुसलमान पर उसका एहसान है। तो मैं सैयद शोरा इकबाल, तू जमाने का एक खुददार पैगंबर है और तेरा पयाम कारवान मिल्लत के लिए बांगे दिरा जिंदगी की वो मंजिल है जब आलम मैदान हश्र बना हुआ है, जहालत अपने कमाल को पहुंच गई है और एहसास से खुदी खुद गर्जी की बहुत तमाम हदूद तय कर चुकी है। कश्मकश हयात का आलम है, बहुत से काफिले सरे मंजिल पहुंच गए हैं और पहुंच रहे हैं, लेकिन ये काफिला राह में नातवानी की गहरी नींद सो रहा है। दर्द मिल्लत की आवाज है उस पहुंच रहे, लेकिन ये काफिला राह में नातवानी की गहरी नींद सो रहा है। उस वक्त तेरी पुरसुकून आवाज, पुरशौकत आवाज और तेरी शायरी दर्द मिल्लत की आवाज है और तहसीब तमद्दुन की रूह है जिसकी जमाने को हमेशा जरूरत है। इस जरूरत के लिए फैजान
अदर मैसूर ने इस अजीम हस्ती के यौम विलादत यानी यौम इकबाल के दिन पयाम इकबाल देना चाहता है। मैं बहैसियत सदर फैजान उर्दू अदब मैसूर इस महफिल में तमाम मेहमानों का खैर इस्तकबाल करना चाहती हूँ। सबसे पहले आज के मेहमान खुसूसी मोहतरमुल मकाम आली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब, जिन्होंने हमारी दावत पर लबैक कहा। वो कल ही दुबई से तशरीफ लाए ही अपनी थकन और मसरूफियात भूल कर यहाँ पर आकर इस महफिल की रौनक बख्शी और खुदान उर्दू का सबूत दिया है। मैं फैजान उर्दू अदब और तमाम की जानिब से आपका खैर मकदम करती हूँ। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तुशाहीन है परवाज है काम तेरा, तुशाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी। आज के इस जलसे के सदर मोहतरम आली जनाब इज्जत मौत सैयद शफी अहमद साहेब, साबिक रुकन उर्दू अकेडमी वो सेक्रेटरी अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैसूर, जिन्होंने हमारी दरख्वास्त पर सदारत की कुर्सी संभाली हुई है। मैं फैजान उर्दू अदब और तमाम की जानिब से आपका खैर इस्तकबाल करती हूँ। रिफ्वत किशोर जिससे हो तस्खीर बेतहर तुफन, रिफ्वत किशोर जिससे हो तस्खीर बेतहर तुफन, तू अगर समझे तो तेरे पास वो सामान ही है। तो मैं मोहतरम शफी सैयद शफी साहब से खैर इस्तकबाल करती हूँ। उनकी सदारत की कुछ संभालने के लिए जिम्मेदारी दे रही हूँ। हमारे दरमियान एक और मुतबरिक हस्ती शाहनशीन पर जलवा अफरोज हैं, वो हैं मोहतरम मौलाना डॉक्टर हाजिफ नदवी साहब, शोबे दारुल उमूर सिरियन पटना। अपनी फसाहत तो बलागत से इस महफिल के पयाम इकबाल देने के लिए आए हुए हैं और मैं मेरी और फैजान उर्दू अदब की जानिब से आपका खैर इस्तकबाल करती हूँ। आपने हमारी प्यास अभी तक पूरी तौर से नहीं मिटाई है सर, तो मैं इन नशाओं से आपका इस्तकबाल करना चाहती हूँ। लाख एक बार रही बाद जाम ऐसा थी, लाख एक बार रही बाद जाम ऐसा थी, हाथ आ गए मुझे मेरा मुकाम ऐसा थी। तू मेरी रात को महताब से महरूम न रख, तू मेरी रात को महताब से महरूम न रख, तेरे पैमा पैमाने में है माह तमाम ऐसा थी। हमारे दरमियान एक और सदावर शख्सियत अभी अभी मौजूद आई हुई है, वो है हमारे मेहमान एजाजी आज के पयाम भर पयाम भरे इकबाल मौलाना शौकतुद्दीन नदवी प्रिंसिपल जामिया खाकिशा मैसूर। मैं अपनी और फैजान उर्दू अदब की जानिब से आपका खैर मकदम करती हूँ। मैं आपका खैर मकदम करती हूँ सर। जो अशार आपके समातों के वाले, तेरे मकाम को अंजुम शनास क्या जाने, तेरे मकाम को अंजुम शनास क्या जाने, के खाक जिंदा है तो ताबे सितारा नहीं। निगाह बुलंद सकुन दिल नवाज जा पुरसोज, यही है रक्त सफर मेरे कारवां के लिए। शुक्रिया आप के साथ बुजुर्ग हस्ती यहाँ पर जलवा अफरोज है, वो है हमारे हरदिल अजीज जिले का चांद साहब, एक मुतबर बुजुर्गान हस्ती है हमारे मोहतरम मकाम, जिनकी सरपरस्ती में इंडी अदारे परवान चल रहे हैं। मैं और मेरी फैजान उर्दू अदब की जानिब से आपका इस महफिल में इस्तकबाल करती हूँ। एक शेर आपके खिदमत में पेश करना चाहती हूँ चांद साहब। नापूजी मुखरखा पोषण की, नापूजी मुखरखा पोषण की, इरादत है तो देख उनको। शुक्रिया शुक्रिया। नापूजी मुखरखा पोषण की, इरादत हो तो देख उनकी, यदि वैसा ये वैसा ही अपने आप से हो। तो मैं आप के
अब तक जितनी बातें आपके सामने आई, पहली बात कौन सी थी? अल्लामा इकबाल के तारुफ के सिलसिले में पहली बात कौन सी थी? पांच, फाइव पिलर्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। पहला ईमान, दूसरा कुरान, तीसरा इरफान नफ्स खुदी, चौथा तहज्जुद और पांचवा मौलाना जलालुद्दीन रोमी। यानी किसी भी कामयाब एजुकेशनल सिस्टम के लिए पांच चीजें। दूसरा उन्वान था अल्लामा इकबाल की जिंदगी के तारुफ में कि अल्लामा इकबाल ने निसाब के ऊपर भी काम किया था। तीसरा उन्वान जब चल रहा था, उस तीसरे उन्वान में चाय है ना, ये तो हाँ चाय है, हो गई ठीक है। हाँ थोड़ा लय में आने दीजिए, फिर कुछ कीजिएगा, फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, आपके सामने ये देखिए, इसको मैच बॉक्स भी कहते हैं, माचिस भी कहते हैं, दिया सलाई भी कहते हैं। शेख मकतब के तरीकों से कशादे दिल कहां, किस तरह किबरीत से रोशन हो बिजली का चराग। ये बताइए, मैं इसको जलाऊं तो क्या बिजली का चराग जल जाएगा? कितना भी मैं जला जला के फेंक दूं तो क्या ये लाइट जल जाएगी? तो अल्लामा इकबाल कहते हैं, किबरीत कहते हैं मैच बॉक्स को। अल्लामा इकबाल के यहां किबरीत, फारसी में किबरीत कहते हैं, माचिस को कहते हैं। किस तरह किबरीत से रोशन हो बिजली का चराग, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दिला रहे हैं कि इल्म को बंद कर दिया गया सिर्फ एक मकाम पर, और दुनिया गुजारने का सलीका और तरीका और दुनिया की कयादत का तरीका नहीं सिखाया गया तो वो एजुकेशनल सिस्टम नाकाम हो जाएगा। तो पहली चीज, अल्लामा इकबाल ने इल्म की वसाहत को ईमान से लेकर के अफलाक तक वो लेकर के गए। दूसरी चीज, अल्लामा इकबाल ने मगरिब के निजाम तालीम पर काफी तनकीद किया है, क्योंकि उनको बहुत करीब से मगरिब का निजाम तालीम देखने को मिला है, था वहां रह करके आए थे, और उन्होंने खुद कहा था कि मैं मिसले खलील इस आग में डाल दिया गया हूं, और वहां से मैं तो छूट के आया हूं कि जमस्तानी हवा में गर्च थी शमशीर सी तेजी, न छूटे मुझसे लंदन में भी आदाब सहर गाही। तो अल्लामा इकबाल वहां की अच्छाइयों को भी लेते थे, लेकिन जिस तरह से मेटेरियलिज्म और मादियत का गलबा था उसके सिलसिले में अल्लामा इकबाल कहते हैं, ये मदरसा, ये खेल, ये गोगाए रवारो। इस शेर को जरा समझिएगा, हम समझाते हैं आपको। अल्लामा इकबाल के यहां जो लफ्ज मदरसे का कॉन्सेप्ट है ना, इसको हमसे हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि मदरसे से मुराद दीनी मदरसा और कॉलेज से मुराद कॉलेज। अल्लामा इकबाल के जमाने में डिग्री का मामला ही अभी नहीं आया था, मदरसा और कॉलेज के अलग होने का कॉन्सेप्ट अभी पूरी तरह से नहीं आया था, हर एजुकेशनल सिस्टम को मदरसा कहा जाता था। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं मगरिब की तरफ इशारा करते हुए कि ये मदरसा, ये खेल, ये गोगाए रवारो, यानी ये एजुकेशनल सिस्टम और ये खेल कूद और ये शोर और हंगामे, इस ऐश फरावा में हर लहजा गम नौ, ये जो जिंदगी जा रही है हर दिन एक नए गम आना आ रहा है, वो इल्म नहीं जहर है अहरार के हक में, वो इल्म नहीं जहर है अहरार के हक में, जिस इल्म का हासिल है जहां में दो कफे जाओ। यानी खाना पीना जिसका हासिल है वो जहर है नादा। अदब और फलसफा कुछ चीज नहीं है, असबाब हुनर के लिए लाजिम है तगो दो। हुनर चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा, फितरत के नवामीस पे गालिब है हुनरमंद। नवामीस कहते हैं फितरत के अहकाम, अल्लाह तबारक व ताला ने जो अहकाम दिए हैं उसके ताल्लुक से कहते हैं कि अल्लाह ने तकदीर को भी दो तरह से बनाया है। जो वलकद्र खैर ही व शर ही का लफ्ज है ना, उसको समझिए तब ये समझ में आएगा शेर। तकदीर को अल्लाह ताला ने, तकदीर जो है वो दो तरह की है, एक तकदीर मुबरम है, एक तकदीर मुअल्लक है। मेरी बात सुनाई दे रही है आप लोगों को ना? एक तकदीर मुबरम है, सील्ड है, क्या खाओगे, कब मरोगे, कितनी जिंदगी है, ये सील्ड है, और अल्लाह चाहे तो तब्दील कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम के एतबार से अल्लाह ने तय कर दिया है। दूसरी तकदीर मुअल्लक है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। सूरह बनी इसराइल में भी अल्लाह ने इसका इशारा फरमाया, कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अता रब्बिका, कि हर एक कोशिश करते हैं और जो कोशिश करता है वो पाता है। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि फितरत के नवामीस
पे गालिब है हुनरमंद, शाम इसकी है मानिंद सहर साहेब परतो, कि जो मेहनत करता है उसकी शाम भी उसके उसके सुबह की तरह चमकीली हुआ करती है। वो साहेब फन चाहे तो फन की बरकत से टपके बदने महर से शबनम की तरह जौ, कि जिस तरह से चांद की रोशनी आती है और शबनम की नमी ये दोनों मिल जाए तो फिर साहेब फन हालात को अपने हाथ में उसे मोड़ लेता है। अल्लामा इकबाल ये भी कहा करते थे कि मगरिब के निजाम पे जो चीजें आ रही हैं, मगरिबी निजाम तालीम के सिलसिले में अल्लामा इकबाल उसकी मादियत से नाला है, उसकी मेहनत से नहीं, उसकी साइंस और टेक्नोलॉजी के से नहीं, लेकिन जो नौजवान नस्ल वहां से चीजें लेकर के आ रही थी वो हालत क्या थी, अल्लामा इकबाल कहते हैं खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से मगर, खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से मगर, लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। मुस्कुराहट तो आ रही तरक्की देख करके, लेकिन कभी कभी शिकायत भी करना पड़ता है, क्या हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। और ये अहले कलीसा का निजाम एक साजिश है फकत दीनो मुरव्वत के खिलाफ, और उसकी जो वजूहात है अल्लामा इकबाल ने तफसील के साथ लिखी, और तफसील के साथ लिख करके अल्लामा इकबाल ने ज़र्बे कलीम में टीचरों को और असातिज़ा की तरबियत पर भी ध्यान दिया है। असातिज़ा की तरबियत पर क्या ध्यान दिया है, यहां तक कह दिया कि मकसद अगर हो अगर तरबियत लाले बदख्शां, बदख्शां शहर है बुखारा का, और वहां के जो पत्थर हैं बड़े कीमती होते हैं, उसको लाल का नाम दिया जाता है, मकसद हो अगर तरबियत लाल बदख्शां, बेसूद है भटके हुए खुर्शीद का परतो, अगर सूरज की रोशनी जिस वक्त जहां पढ़ना चाहिए वहां अगर ना पढ़ करके रात के 12 बजे सूरज निकल आए तो क्या फायदा, सही वक्त पे सही तरबियत ना दी जाए तो जाय हो जाएगी। ये मैसेज मिलता है, दुनिया है रिवायात के फंदों में गिरफ्तार, क्या मदरसा क्या मदरसे वालों की तगोदौ, कर सकते थे जो अपने जमाने की इमामत, वो कोहना दिमाग अपने जमाने के हैं पैरू। अल्लामा इकबाल की शायरी में एक बात यह भी मिलती है, एक जगह ये फरमाते हैं तलबा के मुतालिक, जो अपनी थॉट्स प्रोसेस को ईमान से हट करके दुनिया की चमक धमक में दिखाते हैं, अल्लामा इकबाल उनको कहते हैं, बल्कि अपने बेटे जनाब डॉक्टर जावेद जब छोटे से उनको लिखते हुए नौजवानों का खिताब करते हैं, कहते हैं कि गारते गरे दी है जमाना, है इसके निहाद काफिराना, दरबार शहनशी से खुशतर, शहनशाह के दरबार से बेहतर है मर्दाने खुदा का आस्ताना। और ये कहते हैं कि जौहर में हो ला इलाह तो क्या खौफ, तालीम हो गो फरंगियाना, तालीम कुछ भी हो लेकिन दिल में ईमान और यकीन अगर है तो आपका कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता, और अगर ईमान चला गया तो अल्लामा इकबाल एक मरतबा झुंझुला कर कहते हैं खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग की, तू किताब खां है मगर साहेब किताब नहीं। और फिर दूसरी जगह फरमाते हैं तालीम की असल के बारे में, और वो क्या है, जरा सुनिएगा क्या बंदिशें हैं और क्या पैगाम है तालीम का, फिर चरागे लाल से रोशन हुए कोहो दमन, कोह का मतलब पहाड़ और दमन का मतलब उसके दामन की नदियां और हरियालियां, फिर चरागे लाल से रोशन हुए कोहो दमन, मुझको फिर नगमों पर उकसाने लगा मुर्गे चमन, बरगे फूल हैं सहरा में या परिया कतार अंदर कतार, फूल हैं सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, उदे उदे नीले नीले पीले पीले पैरहन, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नबी बनता न बन अपना तो बन। फिर से सुनिए अल्लामा इकबाल का तालीमी पैगाम, अल्लामा इकबाल किस तरह से उठाते हैं बात को, कैसे धीरे से उठाते हैं, एक समा बन जाता है गोया आप ऊटी की वादियों में सैर कर रही हैं, छुट्टियों में गई होंगी कई लोग, आप लोग भी गए होंगे, जाना चाहिए, नहीं तो आई हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दामन में वहां भी मिल जाएगा। फिर चरागे लाल से रोशन हुए कोहो दमन, मुझको नगमों पर मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन, फूल हैं सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, उदे उदे नीले नीले पीले पीले पैरहन, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। मन की दुनिया सोजो मस्ती जज्बो शौक, मन की करोगे तो क्या होगा, माई लाइफ माई चॉइस, अल्लामा इकबाल ने किस जमाने में ये देखा था, नौजवानों की जो बात है माई लाइफ माई चॉइस, तो अल्लामा कहते हैं मन की दुनिया सोजो मस्ती जज्बो शौक, तन की दुनिया
तन की दुनिया सूदो सौदा मकरोफन, मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छाव है, आता है धन जाता है धन, मन की दौलत में न पाया मैंने अफरंगी का राज। तुम्हारा मन जो है अपना है, खुद ही का है। तो अल्लामा कहते हैं मन की दौलत दुनिया में न पाया मैंने अफरंगी का राज, मन की दुनिया में न देखे मैंने शेखो बरहन बरहमन, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे नतन तेरा नमन। ये है अल्लामा इकबाल का पैगाम नौजवानों के नाम कि जिस तरह से अल्लामा इकबाल झेल रहे थे उसी जमाने में अकबर इलाहाबादी भी झेल रहे थे। अल्लामा इकबाल और अकबर इलाहाबादी के राबते चलते थे। अल्लामा इकबाल अकबर इलाहाबादी के नाम खत लिखते तो अकबर इलाहाबादी कभी कभी अशार में जवाब देते। तो जो मगरबी निज़ाम था मादी निज़ाम, उसके बारे में अकबर इलाहाबादी ने अल्लामा इकबाल को लिखा कि गुजर इनका हो कब आलम अल्लाह अकबर में, गुजर इनका जो इस तरह की तालीम हासिल किए हुए हैं, गुजर इनका हो कब आलम अल्लाह अकबर में, कले पले कालेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में। और इसी को कहा क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, बीए हुए नौकर हुए पेंशन मिली मर गए। अल्लामा इकबाल इस बारे में कहा करते थे, उनको लिखा उन्होंने इकबाल नामा हिस्सा दोम सफा नंबर 73 पर यह खत मिलता है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि फलसफा पढ़ाने के लिए मिस्टर मेंग की जगह मुझे फलसफा पढ़ाने के लिए दिया गया है। ये फलसफा क्या है? ये फलसफा मायूसियों और नाकामियों का अफसाना है, लेकिन ये लड़के मेरे पास आ जाते हैं तो मैं इनके जहन में मजहबी नुक्ते नजर डालने का मुझे एक मौका मिलता है। इस बात से पता चलता है कि अल्लामा इकबाल की फिक्र अज अव्वल ता आखिर, अल्लामा इकबाल इस बात को लेके चलते थे और इस बात को कहते थे। जरा ये अशार सुनिएगा क्योंकि अशार आप समझ गई और आप समझ गए तो उसके बाद से फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा। तुझे क्यों फिक्र है ए गुल, गुल का मतलब फूल, तुझे क्यों फिक्र है ए गुल दिले सच्चा के बुलबुल की, बुलबुल का दिल टूटा हुआ है तो ए फूल तुझसे क्या मतलब। तुझे क्यों फिक्र है ए गुल दिले सच्चा के बुलबुल की, तू अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर ले, तमन्ना आबरू की हो अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की हो यानी इज्जत के साथ जीना है अगर जिंदगी में। अल्लामा इकबाल कहते हैं तमन्ना आबरू की हो गुलजार अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझ कर जिंदगी जिंदगी करने की खू कर ले, कांटों में रह करके जिंदगी गुजारने की आदत डाल दो, नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको, नहीं ये शान खुददारी, एक फूल दीजिए, नहीं ये शान खुददारी मेरे ही में से तोड़ के दीजिए क्योंकि मेरा फूल है, दीजिए, नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दोस्तार में रख ले कोई जेबे गुलू कर ले। ये कहा अल्लामा इकबाल ने मुस्लिम मुसलमान नौजवान के लिए, फिर से सुनिए, नहीं ये शान खुददारी कि चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले कोई जेबे गुलू कर ले, अगर मंजूर हो तुझको खजाना आशना कर ले, अगर मंजूर हो तुझको खजाना आशना रहना। यानी मतलब क्या कह रहे हैं अल्लामा इकबाल, पहली बात तो यह कह रहे हैं कि इज्जत यही है, वही फूल इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया, वही फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया। तो किसी ने कहा तो पूरे मुरझा जाते हैं, जाहिर सी बात है जो मुरझाएगा फेंक दिया जाएगा, जो ताजा रहेगा हमेशा रहेगा। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इसके साथ साथ तुमको मालूम होना चाहिए कि एक न एक दिन खजा भी आएगा। अगर मंजूर हो तो उसको खजा ना आश ना रहना, जहाने रंग बूर से पहले कतए आरजू कर ले, उम्मीद छोड़ देना तब ये काम करना। अल्लामा इकबाल इस सिलसिले में ये पैगाम देते हैं और ये बहुत अहम पैगाम है, इसको सिर्फ सुनिए, इसका तर्जुमा मत सुनिएगा। खुदाए लम यजल का दस्त कुदरत और ज़बान तू है, यकी पैदा करे गाफिल के मगलूबे गुमा तू है, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवा तू है, मका फानी मकी आनी अजल तेरा अबद तेरा, खुदा का आखिरी पैगाम है तू जावेदा तू है, सबक फिर पढ़ सदाकत का अदालत का शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। फिर से सुनिए, सबक फिर पढ़ सदाकत, अबू बकर का सबक पढ़ो, शेर का मफहूम समझिएगा, इस एक मिसरे के अंदर खुलफाए राशिदीन का तस्करा है, अबू बकर सिद्दीक का सबक पढ़ो, उमर फारूक की अदालत पढ़ो और हजरत अली की शुजात पढ़ो तब इमामत मिलेगी। ऐसा नहीं कि शेर पढ़ने से इमामत मिल जाएगी। फिर सुनिए, सबक फिर पढ़ अदालत सदाकत का अदालत का शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी।
यही मकसूद फितरत है। फितरत का मतलब अल्लाह का पर्पस यही है, मुसलमान की पहचान, आइडेंटिटी ऑफ अ मुस्लिम ये क्या है, यही मकसूद फितरत है, यही रमजे मुसलमानी, उहुवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी, बुताने रंगों खून को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तू रानी रहे बाकी, न ईरानी न अफगानी, गुमाने गुमा आबाद हस्ती में यकीन मर्द मर्द मुसलमान का। इस शेर को समझाएंगे आपको, गुमा आबाद हस्ती में यकीन मर्द मुसलमान का, क्या यानी आबादी में इंसानों के दरमियान मुसलमानों पर इतना यकीन होना चाहिए, इतना यकीन होना चाहिए। अल्लामा कहते हैं गुमा आबाद हस्ती में यकीन मर्द मुसलमान का, बयाबा की शबी तारीख में किंदील रहबानी, यानी जंगल के अंदर इंसान भटक गया तो किसी राहिब किसी इबादत गुजार का जो दिया रास्ता दिला दिखाता है वो मुसलमान का किरदार है। मिटाया कैसर और किसरा के इस्तिबदाद को जिसने, मिटाया कैसर और किसरा के इस्तिबदाद को जिसने, वो क्या था, जोर हैदर फख्र गुजर सिद्क सलमानी, गुलामी में नकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोर बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, विलायत पादशाही इल्म आशिया की जहांगीरी, ये सब क्या है, फकत एक नुक्ता है ईमान की तफसीरें, बराहीमी नजर मुश्किल मगर पैदा पैदा मगर मुश्किल से होती है, हवस छुप छुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें, और हकीकत एक है हर शय की, खाकी हो कि नूरी हो, लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिल चीरे, यकीन मोहकम अमल पैहम मोहब्बत, समझिए पहले इसको, यकीन मोहकम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यकीन मोहकम, यकीन मोहकम की मीनिंग अकायदे नसफी में समझ में आती है, अकायदे नसफी में शेख नजमुद्दीन अलैहि रहमा ने समझाया है, ईमान तीन कैफियतों का नाम है, ईमान इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री स्टेजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल अटेस्टेशन बाय हार्ट एंड माइंड, तस्दीकुम बिल जिनान, पूरा यकीन अल्लाह का हो कि दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, एक अल्लाह है और एक ही है और एक ही रहेगा, तस्दीकुम बिल जिनान, और उसके बाद इकरारुम बिल लिसान, अटेस्टेशन बाय द टंग, उसको जबान से इजहार करना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और उसके बाद फिर अटेस्टेशन बाय लिम्स वल अमल बिल अरकान, उसकी रिक्वायरमेंट पर पूरी जिंदगी गुजारना, तो यही है यकीन मुहकम अमल पे हम, ये दोनों काम हो गए तो फिर मोहब्बत फातह आलम जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। ये था अल्लामा इकबाल का पैगाम। आइए कुछ और एक दो चीजें आपको अल्लामा इकबाल के पैगाम में तालीम के नजरियात को बताते हुए एक शिकायत अल्लामा इकबाल करते हैं उसको बता करके अपनी बात, नहीं नहीं हम खत्म करेंगे, हाँ बस खत्म कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं नहीं मैंने खुद ही कहा खत्म कर रहे हैं। तो तीन चीजें आ गई, पहली चीज पांच पिलर्स याद रखिएगा, दूसरी चीज अल्लामा इकबाल की शख्सियत के पहलुओं में अल्लामा इकबाल ने निसाब साजी किया, और तीसरी चीज अल्लामा इकबाल ने जो पैगाम दिया कि अल्लामा इकबाल के तालीमी पैगाम के अंदर नौजवान नस्ल के जो पैगाम थे उस नौजवान नस्ल के पैगाम में खुद को पहचानना और ईमान और यकीन पर अमल करना, और अल्लामा इकबाल ने खास तौर पर यूरोप के निजाम तालीम को जो कहा वही कहकर के अपनी बात को पूरा करेंगे। और आपका काम अभी अधूरा रहेगा, उसके बाद फिर कभी बुलाइएगा, आगे वाला काम इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। वो ये था कि यूरोप में बहुत रोशनी है, इल्म हुनर है, हक ये है कि चश्मे हैवा में है ये जुल्मान, राना ये तामीर में रौनक में सफा में गिरजों से कहीं बढ़ गए हैं बैंकों की इमारत, जाहिर में तिजारत है हकीकत में जुआ है, सूद एक का लाखों के लिए मर गए मफाजात, ये इल्म ये हिकमत ये तदब्बुर ये हुकूमत, पीते हैं लहू देते हैं तालीमें मुसावात, और दिले बिना बिकर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। आइए हम अल्लामा इकबाल की निस्बत से बैठे हैं, दो फराइज हमारे ऊपर आयद होते हैं, एक तो यह है कि अपने एजुकेशनल सिस्टम में रिफॉर्मेशन लेकर के आए, और दूसरे माफी के साथ अगले साल अगर हम जुड़ रहे हैं तो अगर बगैर उर्दू पढ़े हुआ है तो हम मुनाफिक कहलाएंगे यौम उर्दू के। अपने आप को उर्दू सीखने के लिए आज से लाजिम कर लें, इतने मुश्किल से मुश्किल एंड्रॉइड फोन संभाल कर लेते हैं और साल भर के अंदर अलिफ अबजद उर्दू के नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाना लाजिम है और फर्ज है। अगर उर्दू हमने नहीं पढ़ाया तो कल अल्लामा इकबाल के अशार जब पढ़ेंगे तो अल्लामा इकबाल के अशार को समझाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा।
अल्लाह तबारक व तआला इस बज़्म के सजाने वाले को जज़ाए खैर अता फरमाए, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपने इतनी देर तक सुना। अल्लाह ताला ने जो हक कहलवाया उस पर कहने वाले को अमल की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, आमीन। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।